बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशवाश होंगे। और सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बाकी मेरी वीडियोस मिल सकें। अच्छा जी, आज जो हमारी रेसिपी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपको बनाना सिखाऊँगी, बहुत ही ईजी वे में बनाना सिखाऊँगी, बिकॉज़ यू नो आजकल जो है बरसात के मौसम चल रहा है तो बारिशें हो रही हैं, तो दिल करते हैं कुछ चटपटी क्रंची चीज़ें खाई जाएँ। सो फिर आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का, और ये बहुत ईजी वे में बताऊँगी स्टेप बाई स्टेप। सो आपने जो है पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, बिकॉज़ थोड़ा सा आपने स्किप किया तो आपका एक आध मसाला जो है वो भी स्किप हो जाएगा, और जो असल टेस्ट होता है रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना सिखाऊंगी मैं आपको चिकन टिक्का। तो बारबेक्यू बहुत मज़े का बनने वाला है, इसलिए सब बड़े ध्यान से देखिएगा और मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जब आपको रेसिपी अच्छी लगती है, अगर आप ट्राई करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बनाते हैं इसका मसाला, कि कैसे हम बारबेक्यू का मसाला बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 2 kg चिकन, ठीक है, इसकी क्वान्टिटी है 2 kg, उसमें से जो कलेजी और वो सब कुछ अपनी चीज़ें अलहदा कर देनी है। इधर हमारे पास है गार्लिक, और हमारे पास यहाँ पे गार्लिक है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली, जिंजर, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, लेमन, विनीगर, शान टिक्का मसाला, ओके। इन सब चीज़ों को मैंने जो है ग्राइंड करना है एक जग में डाल के, इन सब चीज़ों को जो है मैं ग्राइंड करूँगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले तो मैंने गार्लिक और जिंजर को डाल दिया था जग में, अब स्टेप बाय स्टेप जो है मसाले सारे जो हैं वो जग में डालूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके, फिर हम जो है अपने मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने विनीगर डाल दिया है, गार्लिक और जिंजर भी डाल दिया है, और जो मसाला जात मैंने आपको बताए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। विनीगर का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, और इसमें जो है एक चीज़ में जो ऐड की है वो है अजवाइन भी ऐड की है और कलौंजी भी, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करती हैं, ठीक है। इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे क्योंकि योगर्ट में ही सारा मसाला जो है वो मिक्स होता है और उससे ही जो है हमारे चिकन जो है जूसी बनता है, ठीक है। इसमें शान मैंने डाला है मसाला, वो बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, जस्ट सेक ऑफ टेस्ट थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत, बिकॉज आपने दूसरे मसाले भी डाले हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। योगर्ट ऐड कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा हम चलाएँगे, और देखें हमारा जो है मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसमें कर्ट्स लगा देंगे चिकन में, मैंने कर्ट्स लगा दिए थे ताकि जो मसाला अच्छे से इसमें चला जाए, और हम 1 आवर के लिए इसको जो है, 1 आवर नहीं बल्कि 3 से 4 आवर रखना पड़ता है आपको। और मैंने इसको बड़ा ही तरीके से सीखों पे लगा दिया था, और कोयला भी बड़ी मुश्किल से लगा, यकीन माने आप, वो बारिश थी जिसकी वजह से कोयला गीला हो गया, बड़ी मुश्किल से ये बना है, कोयला लगाया है, और सीखों का कलर देखिए कितना जूसी और कितना मज़ेदार टेस्टी बना है। गर्म ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हासिल होंगी। अल्लाह हाफिज़।